चलिए अब जयपुर से खबर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद आज है। राजस्थान के भी सभी 247 कृषि उपज मंडियां बंद है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश भी पूरा समर्थन कर रहा है किसानों का, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, वो भी सड़कों पर ट्रैक्टर के जरिए उतरे और लगातार जो है किसानों के समर्थन में लोग सड़कों पर। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी पिंटू सिंह नरुका फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या जानकारी है, कैसी तस्वीरें हैं? 11 बजे का वो समय अब हो गया है, 11:10 हो गए हैं, जिस समय से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक जो है चक्का जाम भी रहने वाला है। क्या जानकारी, क्या तस्वीरें? देखिए, आज भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों की ओर से किया गया है नए कृषि कानूनों को लेकर, और इन कृषि कानूनों के विरोध कहीं ना कहीं जो आंदोलन तेज होता जा रहा है उसको तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, तमाम सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया है। ये आप तस्वीरें देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो तमाम संगठन है, जो मजदूर दल है, वो सब लोग यहाँ पर पैदल मार्च निकाल रहे हैं और बंद का समर्थन कर रहे हैं। और जो दुकानें यहाँ पर खुली हुई है, इनको प्यार से निवेदन करके दुकानें बंद करवा रहे हैं और पूरी तरह से भारत बंद को सफल बना रहे हैं। मनीषा, ये तस्वीर आप देखेंगे कि जो शहीद मार्ग से सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर, जो मजदूर संगठन है, जो एटक संगठन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के जो संगठन है, वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि किसानों को जो ये जो नए कृषि कानून लेकर आए हैं, इनको रद्द किया जाए, और पूरी तरह से भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे, ये सब लोग शहीद मार्ग स्मारक से इकट्ठे होकर यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी रैली के तौर पर यहाँ पर निकाल रहे हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार का आंदोलन पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है और किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया और उसका समर्थन यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर कुछ जो नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। सुमित्रा जी चोपड़ा है जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। मैडम, जिस प्रकार से आप लोग ये पूरा रैली निकाल रहे हैं और भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, बड़े प्यार से लोग दुकानें बंद कर रहे हैं निवेदन से, और किस प्रकार से पूरा इस मूवमेंट को आप देखते हैं? नहीं, ये मूवमेंट बहुत जोर पकड़ रहा है और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि जो सहमति के साथ, समर्थन के साथ दुकानें बंद कर रहे हैं। और हम उनसे भी अपील कर रहे हैं जो नहीं कर रहे, कि आप किसानों का साथ दीजिए। और किसान जिस बात का विरोध कर रहे हैं वो पूरी जनता के हित में, ये काले कानून किसान ही नहीं पूरे गरीब जनता को बर्बाद करने के लिए है, इसलिए जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। और हम यही कहेंगे, किसानों के साथ पूरा देश है, क्योंकि किसान इस देश की आत्मा है। तो हम कहेंगे किसानों को, केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि कानूनों में जो कहीं भी किसानों की जो मांग है संशोधन किया जाएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरी बात हो रही, सरकार संशोधन की बात कर रही है, संशोधन कोई मांग नहीं रहा। काले कानून वापस लो, किसानों की मांग है, एक मुश्त मांग है, काले कानून वापस लो। कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब किसानों को समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर की सड़कों पर जो तमाम जो संगठन है, किसान संगठन के अलावा जो मजदूर संगठन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तमाम पार्टियों ने यहाँ पर कृषि कानूनों के खिलाफ इस भारत बंद को समर्थन दिया है। यहाँ पर कुछ नेता है, इससे बात करेंगे। आप किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर भारत बंद का समर्थन करें? क्या हम किसानों की मांगों को लेकर भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं? किसानों की मांगे बिल्कुल जायज है, जमीन से जुड़ी मांगे। सरकार निजीकरण की जगह अंबानीकरण, अडानीकरण जो देश का करना चाह रही है, उसके हम विरोध में हैं। हमारे साथ बसंत हरियाणा जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज कम्युनिस्ट पार्टी के जो तमाम संगठन है, उन्होंने पुरजोर तरीके से इस भारत बंद का समर्थन किया है, किस प्रकार से रैली निकाल रहे हैं और आगे क्या आपका मूवमेंट है? देखिए, ये हमारा जो भारत बंद का आंदोलन है, मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनकी खिलाफत में, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी हिमायत में है। तो यहाँ तमाम वो जन संगठन जो वाम विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जनवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो तमाम संगठन और लोग जो इंसाफ पसंद हैं और जो लोगों के, आम आदमी के हक और हकूक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं, आज इन किसान कानूनों के विरोध में हैं। सिर्फ किसान कानूनों के विरोध में नहीं, जो श्रम मजदूर विरोधी कानून लेके आए उनके भी खिलाफ हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं, लोगों को जनचेतना जागृत करने का काम कर रहे हैं। लोगों ने स्वयं स्फूर्त बंद रखा है, फिर भी हम लोगों में जनचेतना जागृत हो और मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में एक
सच्चाई का पता लगे, इसलिए हम सड़कों में आए हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार यहाँ पर जो वामपंथी जो संगठन है इन्होंने किसानों को समर्थन दिया है और जो किसानों ने भारत बंद बुलाया है उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर पुरजोर तरीके से पैरवी की जा रही है मनीषा। और स्वतः ही जो आज भारत बंद बुलाया गया है ये जो जयपुर शहर का इलाका है किसान तमाम आंदोलन पर डटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये जो लोग हैं जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है वो जो दुकानदार हैं जो व्यापारी हैं इनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अन्नदाता के हित में धरती पुत्र के हित में जो किसानों का जो आंदोलन है इसको समर्थन करें और आज अपने प्रतिष्ठान बंद करें। उसी को लेकर ये लोग शहीद स्मारक से रवाना हुए और जयपुर शहर की सड़कों पर निकले हुए हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, साथ में प्रतिष्ठानों को बंद करवा रहे हैं। जी मनीषा देखिए पिंटू, किसानों को रिझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, बातचीत की टेबल तक जब पहुंचते हैं तो तमाम प्रेजेंटेशन उन्हें दिखाई जाती हैं, फायदे उन्हें गिनवाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। और अब कल जो बातचीत होनी है, एक बार फिर से कल 9 तारीख है, 9 तारीख की जो बातचीत है कहीं ना कहीं अब तक की बातचीत सफल नहीं हुई है और इसी तरीके से अगर कल भी किसान नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा उग रही है पूरा जो आंदोलन है वो होता जा रहा है। देश के हर क्षेत्र से हर वर्ग का समर्थन किसानों को मिल रहा है, खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड्स लौटाने की बात यहां पर कह दी है, हर वर्ग किसान जहां पर डटे हुए हैं वहां से भी उनके ट्रैक्टर रिपेयर करने के लिए भी तमाम लोग आगे आ रहे हैं। देखिए मनीषा, ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था, पंजाब से जब ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई किसानों ने भी इनका विरोध किया कि ये किसानों के हित के कानून नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो इन कानूनों के बारे में किसानों को समझाने में असफल रही और किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता रहा। लेकिन अब जो ये आंदोलन है वो पंजाब हरियाणा से बढ़कर पूरे भारत तक फैल गया है और ये तस्वीरें देखने को मिल रही है कि भारत के लगभग सभी शहरों में जो लोग हैं वो अन्नदाता के समर्थन में आ रहे हैं। बात की जाए राजधानी जयपुर की यहाँ पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने भी किसानों का यहाँ पर समर्थन किया, इस भारत बंद का समर्थन किया, आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया, तमाम जो कम्युनिस्ट पार्टीज है उन्होंने भी समर्थन किया और वो बाकायदा लगातार यहाँ पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको अन्नदाता के लिए किसानों के आंदोलन के लिए यहाँ पर बंद करवा रहे हैं। और यहाँ पर असर भी देखने को मिल रहा है कि तमाम जो व्यापारी है वो अपने प्रतिष्ठान यहाँ पर बंद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले 6 साल में अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो शायद ये सबसे बड़ा मूवमेंट, सबसे बड़ा आंदोलन जो मोदी सरकार को घेरने में कहीं ना कहीं सफल रहा, क्योंकि यहाँ पर बात है अन्नदाता के हित की, किसान और धरती पुत्र की हितों की बात है और उनको लगता है कि ये कानून उनके हित के नहीं है, जबकि मोदी सरकार लगातार कह रही है कि इन कानून से जो किसानों की आय वो बढ़ेगी, उनके जो किसानों के हितों के ये कानून है। लेकिन लगातार जो जिस प्रकार से पिछले 15-16 दिन से हरियाणा में जो आंदोलन चल रहा है उसके बाद में कहीं ना कहीं लगातार ये आंदोलन तेज होता जा रहा है। हालांकि कल भी इनकी वार्ता होनी है, क्या सफल होता है नहीं होता है, लेकिन मोदी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो अभी भी लगातार यही कह रहे हैं कि ये कानूनों में कुछ संशोधन हो सकता है। पहले बात अड़ी MSP की गारंटी को लेकर, लेकिन अब किसानों का साफ कहना है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, इससे ज्यादा कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ उनकी एक मांग है तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, जबकि सरकार का ये कहना है कि कुछ संशोधन इसमें किया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि ये आंदोलन बहुत तेजी से गति पकड़ता जा रहा है, तमाम जो किसान है देश भर के वो एकजुट हो रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं वो भी किसानों के समर्थन में यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात थी कि मोदी सरकार इस किसान आंदोलन से कैसे निपटती है, क्योंकि साफ तौर पर जो परेशानियां हैं वो केंद्र सरकार की बड़ी है, क्योंकि अन्नदाता के साथ तमाम जो दूसरे लोग हैं जो दूसरे संगठन हैं वो भी जुड़ रहे हैं। अभी हमने देखा कि ये जो तमाम जो मजदूरों के संगठन थे इन्होंने भी भारत बंद का समर्थन किया और पूरा मोर्चा। देखिए हर क्षेत्र से समर्थन मिल रहा है, तमाम जानकारी आपने भी वहां से हमारे साथ साझा की, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों के लिए पूरा देश तैयार है, अन्नदाता के साथ सभी लोग खड़े हुए हैं और इसीलिए आज राजधानी में भी जो असर देखने को मिल रहा है वो तस्वीरें आपको तमाम दिखाई गई हैं। फिलहाल